हमेशा इस तरह मेरा ख्याल रखेंगे, खिलाते पिलाते रहेंगे? ऑफ कोर्स, मेरी फैमिली की सेहत का सवाल है। बाय द वे, आई हर्ड फ्रॉम समवेयर कि हमारी साली ने ला सांते की लोकल फ्रेंचाइज की जॉब के लिए अप्लाई किया। आई थॉट वो तुम्हारे इनर सर्कल में थे। व्हाट हैपेंड? मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एंड आई वांट द बेस्ट फॉर हिम, लेकिन एक बीवी को पता होना चाहिए ना कि उसका हस्बैंड किस चीज से खफा होता है, किस चीज से खुश होता है। इसमें बासित का कोई कसूर नहीं है। बासित का कोई कसूर नहीं, आपका भी कोई कसूर नहीं। आपने अपना फायदा देखा, उसने अपना फायदा देखा, तो मेरा कसूर हो, मेरा कसूर हो अम्मी कि मैं आपकी बेटी हूँ। गाड़ी स्टार्ट करें। ओ हाय सर। हे, तुम जा रहे हो? हाँ, कोई काम था? हाँ, इस प्रोजेक्ट की फाइल पर डिस्कशन करना था। तुम आज जल्दी जा रहे हो? नहीं, जल्दी तो नहीं जा रहा, मैं अक्सर इतने ही बजे जाता हूँ। हम इसको कल भी डिस्कस कर सकते हैं। आयशा मेरा घर पे वेट कर रही है। हाँ, ओके, आई हैंडल इट, कल डिस्कस करते हैं। थैंक्स, सी यू। ओ गर्ल आयशा, कुछ ठीक हो गया था हमारे बीच। मुझे लगा कि शायद ये इंसान बदल गया है। कितना मुश्किल वक्त मैंने सादी के साथ गुजारा है। पागल थी मैं, उसका भरोसा कर लिया, उसे मोहब्बत कर बैठी। आयशा, आयशा प्लीज ऐसे रो तो मत। मारो कैसे ना रो, जिन लड़कियों की इन जैसी माएं होती है ना, उनके नसीब में बस रोना लिखा होता है, वो सारी जिंदगी रोती है। कितनी तजलील हुई मेरी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या महसूस कर रही हूं। अच्छा, तुमने तो बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया है, तुम्हें पता है ना तुम्हारे इस तरह रोने से बेबी पे असर होगा। इसको पैदा ही नहीं होने दूंगी। बासित इस लायक नहीं है कि उस पे भरोसा किया जाए, वो मुझे छोड़ देगा। वो क्या छोड़ेगा, मैं उसे छोड़ दूंगी। इससे बेहतर है मैं खुद को सजा दूं, इस बच्चे को महरूम नहीं होने दूंगी। आयशा, 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 बात सुन। देखो, तुम्हें जो फैसला लेना है ना, वो तुम ले सकती हो, तुम्हारा हक है, मगर अभी इस वक्त प्लीज, इस वक्त तुम कुछ मत सोचो, रिलैक्स करो, प्लीज प्लीज आयशा, ले जाओ। नहीं मानो, गलत हुआ तेरे साथ। मेरी अपनी माँ ने मुझे गिरवी रखा है, मेरी कीमत लगाई, उस आदमी के हवाले कर दिया। एक बेजान चीज की तरह मारो, मैं किसका भरोसा करूं? आयशा क्या हो गया है तुम्हें? नहीं हो तो कोई बेजान चीज, हैसियत है तुम्हारी? क्या अजीब बातें कर रही हो तुम, इसमें तो तुम्हारी खुद कोई गलती भी नहीं है। और तुम ओवर सेंसिटिव। आयशा, आयशा मेरी मान लो। आयशा फिर से मत शुरू हो जाओ, तुम सब ओवर रिएक्ट कर रही हो इस वक्त। सबको पता है आयशा, आयशा प्लीज बस बस प्लीज, अब लेटो लेटो, रिलैक्स करो। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। Thank you.
हेलो बानो जी. हेलो बोलिए. आयशा आपके घर पे है क्या? जी जी यहीं है. मेरी बात कराओ उससे. मैं काफ़ी देर से फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही. वो है तो यहीं, मगर अभी मैं ना आपकी बात नहीं करा सकती उससे. क्यों, क्या हुआ? उसकी तबीयत ठीक है? तबीयत उसकी इस हाल में भला कैसे ठीक रह सकती है. मैं आ रहा. बात सुने आप मेरी प्लीज. आप ना अभी मत आए. क्या मतलब? आप आएंगे तो मसला बहुत बढ़ जाएगा. आयशा बहुत अपसेट है. उसे आपके और अम्मा के बीच वो पैसों के मामलात वाली सारी बात पता लग गई है. कैसे, किसने बताया उसे? ये सब पता नहीं चलना चाहिए था उसे. मतलब पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा है? कौन बता सकता है उसको? ये तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ. और अम्मा तो हर किसी ये बात उसे नहीं बता सकती. वो तो खुद परेशान हो गई है. देखिए मैंने उसे ये बताया नहीं है. ना हमारे घर में कोई भी ऐसा चाहेगा कि इस हाल में आयशा को कोई ऐसी बात पता चले जिससे वो दुखी हो. फिर कैसे जान गई वो? तुमने उसे पूछा नहीं? देखें इस वक्त जो उसकी हालत है, उससे ये पूछना कि उसे सब कुछ कहाँ से कैसे पता चला है बहुत मुश्किल होगा. क्योंकि जो सच बात है तो खुद बहुत शर्मिंदा है. उसे नजरें ही नहीं मिला पा रहे हम. मैं आ रहा हूँ, मैं उससे बात करता हूँ. बेहतर होगा कि आप अभी उसका सामना ना ही करें. लेकिन मैं इस वक्त उसको अकेले नहीं छोड़ सकता पानी. आपने ये बात बताई है ना मैंने, फिर भी किसने ये बात बताई होगी उसे? आयशा कहाँ है? वो कमरे में. तबीयत ठीक नहीं है उसकी. मैंने हॉस्पिटल फोन किया था. थोड़ा आराम कर ले, फिर मैं उसे ले जाऊंगी हॉस्पिटल. मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ उसे. वो अभी इस सिचुएशन की वजह से बहुत स्ट्रेस में है. रो रो कर निढाल कर लिया था उसने खुद को. मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, इस वक्त उस मौजू पर उसे बात मत कीजिएगा. मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रही हो. सब सुन चुकी हूँ मैं. सुनने की अब सकत नहीं है मुझमें. सब सुन चुकी हूँ. मैं जानता हूँ तुम बहुत नाराज हो. मुझे तुम पर इतबार करना ही नहीं चाहिए था. पता नहीं क्यों मैंने तुम्हारे बदलने की दुआएं मांगी. आज तुम पहले वाले बासे थी रहते. बदतमीज, बदकिरदार, अकड़. क्या बुरा था? उससे भी बुरे. तुम बुरे थे, तुम बुरे हो. कितनी दफा तुम्हारे हाथों में बेइज्जत हुई हूं. मैं अपने बिहेवियर के लिए माफी मांग चुका हूं. आई एम सॉरी. सॉरी से जख्म नहीं भरते ना बासित. ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये एहसास से जुड़ते, खरीदे नहीं जाते. काश तुम वही वाले बासित होते जो हर बार मुझसे बदगुमान था, मेरी बेइज्जती करता था, जिसको कोई एहसास नहीं था ये सब होता ना, तो ये सच्चाई जान के मुझे इतनी तकलीफ ना होती. मुझे दुख रहा होता. काश तुम वही बासित होते जिसको अपनी मौत तक का एहसास नहीं था. ठीक है, भले जो चाहे कह लो, बस रो मत पीजा. तुमने मुझे हमेशा रुलाया. मैं अब तुम्हारी जिंदगी में कभी भी तुम्हारी आंखों से निकलते हुए आंसुओं की वजह नहीं बनना चाहता. मैं तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं करती. चुप. तुम ही ये कहती हो कि अगर
मासी से आगे नहीं बढ़ेंगे तो कभी भी कुछ भी कैसे ठीक होगा? गलत थी मैं, अगर रिश्तों के दिए हुए जख्म कभी नहीं बढ़ते, वो माजी नहीं बनते, वो भुलाए नहीं जाते। हाथ मत लगाओ मुझे। तुम यहां से चले जाओ, तुम्हें देख के मुझे मेरी औकात याद आती रहेगी। जो कुछ हुआ मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी तुम्हारी नजर में बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन जिन हालात में सब कुछ हुआ, अगर तुम्हारी माँ मुझे कोई भी कंडीशन बोलती मैं मंजूर कर लेता। और अगर सच पूछो तो हम दोनों उस वक्त अपना ही फायदा सोच रहे थे। मैं तो तुम्हें उसी वक्त बता देना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि तुम एक खुददार लड़की हो और तुम नहीं मानोगी, तुम चली जाओगी। मैं वाकई तुम्हें बता देना चाहता था, ये मेरी जिंदगी की सबसे कीमती डील थी, और अगर मुझसे कोई 100 दफा बोलेगा ना तो मैं 100 दफा इसको साइन करूंगा, क्योंकि मुझे इससे आयशा बासित मिली, मुझे बदल दिया। अगर आपकी कीमत लगाई जाए, अगर मैं आपकी कीमत लगाऊं, तब पूछूं कैसा महसूस हो आपको? क्या चाहती? छोड़ दे मुझे, खत्म कर दे इस खरीदे हुए ताल्लुक को। तुम्हारे लिए रिश्ता गैर अहम जरूर हो सकता है, लेकिन मेरा सब कुछ लग चुका है। मैंने शादी मजबूरी में जरूर की थी, लेकिन अब ये मेरा सब कुछ है। जोया आमिर आपको डॉक्टर बुला रही है, आप बैठ जाए, पेशेंट बुला रही है, आप आ जाए। इतनी
डॉक्टर साहबा प्लीज मेरी इज्जत रख लें, शादी बचा लें मेरी, मुझ पर ये एक एहसान कर दें प्लीज। क्या मतलब, क्या कह रही हैं आप? मैं तो चेकअप करने लगी थी। डॉक्टर आप प्लीज चेकअप रहने दें, आप मेरी सास को बोल दें कि मैं माँ बनने वाली हूँ प्लीज। पागल हो गई आप, बगैर चेकअप किए मैं कैसे कह सकती हूँ कि आप माँ बनने वाली हैं? आपको ये कहना पड़ेगा क्योंकि मैंने उनसे झूठ बोला है। आप प्लीज़ मेरी बात सुने, मैंने अपना घर बचाने की कोशिश की थी, अगर उन्हें ये पता चला तो मुझे घर से निकलवा देंगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरी इज्जत रख लें उनके आगे। हरगिज़ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा पेशा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हाँ मैं उन्हें तसल्ली ज़रूर दे सकती हूँ लेकिन झूठ नहीं बोल सकती, और वैसे भी आप कब तक अपना घर बचा सकती हैं इस तरह झूठ बोल के? या अल्लाह। जी डॉक्टर साहबा, सब खैरियत तो है ना? मेरी बहू ठीक है, बच्चा भी ठीक है ना? आपकी बहू जवान है, सेहतमंद है, सब ठीक है, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी कंसीव कर सकती है, बच्चा हो सकता है। क्या मतलब हो सकता है? माशाल्लाह मेरी बहू माँ बनने वाली है। नहीं आई एम सॉरी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। इस लड़की को इसी वक्त इसके घर छोड़कर आओ। अरे मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, ये हमारे साथ नहीं रह सकती, बस। प्लीज ऐसा मत करो आमिर, ये सब मैंने तुम्हें मनाने के लिए किया। मुझे नाराज मत हो, मुझे छोड़ो मत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था, फिर भी तुमने झूठ बोला, और इतना बड़ा झूठ। क्या मांगा था मैं तुमसे जोया? सिर्फ भरोसा, और तुमने बार बार भरोसा तोड़ा है। मैं जानती हूँ मैंने झूठ बोले, लेकिन ये तो झूठ नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अरे बीबी छोड़ो ये मोहब्बत ओहब्बत की बातें ना, जाकर अपने घर करना, हद होती है किसी बात की। आमिर अब तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं है। तुमने मुझसे वादा किया था आमिर कि तुम मुझे किसी हाल में नहीं छोड़ोगे। वादा तो तुमने भी किया था जोया, कभी झूठ ना बोलने का। क्यों? तुम्हारे बदलने की दुआएं मांगी, आज तुम पहले वाले पास ही रहते, बदकिरदार। से आ रहे तुम्हारे रिश्तेदार, क्या 6,000 ब्राइडल के नहीं दे सकते हो? बोला तो मुझे नहीं रहना वहां, मुझे माफ कर दो प्लीज। संभाले अपनी बेटी को। हुआ क्या है? पूछो अपने भावच से कि क्या हुआ। अरे उसने इतने सफा के साथ झूठ बोला। क्या क्या हुआ? वाह खुद सी हवा भाई, खूब साथ दिया तुमने अपनी बेटी का है। इसको समझाने के बजाय, इसकी इसलाह करने के बजाय तुम इसके साथ मिल गई इसके झूठ में। ये कोई मावा नहीं बनने वाली, मैं अभी दिखाकर आ रही हूं डॉक्टर के पास से इसको। इसका घर ना टूटे इस वजह से झूठ बोला था मैंने। आप भी बेटे की मां हैं, मां बनकर सोचें आप। मां बनकर सोच रही हूं, मैं मां हूं लेकिन ऐसी बेटी की मां नहीं हूं। मैंने ऐसी तरबियत नहीं की अपने बेटे की। अरे ये इंतहाई चोर, बदजबान और झूठी लड़की है, ये किसी के घर की बहू बन ही नहीं सकती, समझी तुम? संभालो इसको।
चलो आमिर। एक और मुसीबत आकर मेरे सर पर बैठ गई है। एक आयशा क्या कम थी जो तुम भी लड़ झगड़ कर आ गई मेरे सर पर बैठने? अम्मा मेरा कसूर नहीं है, मैंने कोई झगड़ा नहीं किया इस बार। तुम्हें जरूरत क्या थी झूठ बोलने की जोया? मैंने झूठ नहीं बोला, अम्मा ने झूठ बोला। हाँ हाँ, मैं ही हूँ मुसीबत की जड़, मैं ही तुम लोगों की दुश्मन। वो आयशा भी मेरी वजह से यहाँ आकर बैठी है। तुम सब तो बरी जमा हो जाओ ना, मेरा ही कसूर है क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। ऐसे कैसे चली गई और आप लोगों को पता ही नहीं चला? बस मुझे इस बात की फिक्र है कि वो कहीं अपने बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सजदे पे रुआ है भरूं, बोलती रहूं ख्वाबों की मैं माला। सर हुँ? आपने खाना नहीं खाया, लगा दूं? हाँ, क्या? मैंने पूछा कि आपने खाना नहीं खाया, लगा दूं? नहीं, जरूरत नहीं। अच्छा, कॉफ़ी बना दूं? हाँ, कॉफ़ी बना दूं? कॉफ़ी बना दूं जी। वो आयशा मैडम नहीं आई। तुम्हें कोई काम है उनसे? नहीं नहीं, आप कपड़े चेंज करेंगे, मैं निकाल दूं? नहीं, मैं निकालूंगा जी, बेहतर है। हेलो बानो। अच्छा, तो बानो की कॉल इतनी जल्दी उठा लेते हो? ऐसी बात नहीं है यार। वास्तव में कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ। यू वांट आंसरिंग? फिक्र हो गई मुझे। सब खैरियत है ना, तुम ठीक हो? मत पूछो यार, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? आयशा की तबीयत ठीक है? आयशा अपनी माँ के घर पे है, वो नाराज होके गई है। फिर से चली गई? तुम दोनों की फिर लड़ाई हुई है किसी बात पर? लड़ाई नहीं हुई यार, लेकिन सब कुछ बहुत उलझ गया है। हुआ क्या है बासित? यू कैन टेल मी प्लीज। फोन पे कुछ नहीं बता सकता मैं तुम्हें। मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ऑफ कोर्स, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बस
तुम्हारे सर का दर्द कैसा है? अब कुछ बेहतर है तुम अचानक? हाँ, तुम कॉल पे इतना परेशान साउंड कर रहे थे, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाह रही थी, तुम सीधी चली आई। कुछ खाया तुमने? जरूरत नहीं है। हाउ कैन आई हेल्प? तुम कहो तो मैं आयशा से बात करूं। नहीं, तुम किसी से इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। ओके, आई प्रॉमिस किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अब बताओ क्या हुआ? माजी में किए गए कुछ फैसले, हालांकि कुछ भी मेरे लिए आयशा से ज्यादा बढ़ के नहीं है। आयशा कैसी है? तुमने उसको डॉक्टर को दिखाया? सब ठीक है, आयशा पहले से काफी बेहतर है, मैं कल ले जाऊंगी उसे डॉक्टर के पास। इस वक्त इस साल में मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए जो तुम कर रही हो। प्लीज उसको कल सुबह डॉक्टर के पास लेके जाओ, और अगर उसके लिए गाड़ी चाहिए तो मुझे बताओ, मैं भिजवा दूंगा। नहीं नहीं, थैंक यू, उसकी जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। बानो, मैं ऐसा क्या करूँ कि वो नॉर्मल हो जाए? मैं जानता हूँ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन वो अपनी हालत खराब कर रही है। सब ठीक हो जाएगा बासे, उसे कुछ दिन अपने हाल पर छोड़ दें ताकि वो रिलैक्स हो जाए। मैं रिलैक्स नहीं कर सकता, मैं बहुत डर गया हूँ। तुम्हें पता नहीं है उसने मुझे क्या कुछ कहा है, मैं बहुत बहुत ज्यादा डर गया हूँ। मैंने तो आपको कहा था कि ये वक्त नहीं है ये बातें करने का। उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगी, और हम यहाँ हैं उसका ख्याल रखने के लिए। उसका ख्याल रखो प्लीज। मैं कुछ भेजूँ उसके लिए? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, प्लीज अभी उसे उसके हाल पे छोड़ दें, यही बेहतर है। खुदाफिस। खुदाफिस। बासित सलमान, अब जो फैसला होगा अकल से होगा, हकीकत को देख कर होगा। मोहब्बत की पट्टी उतर गई आंखों से, अब नजर आने लगा है कि लोग कितने सफाक होते हैं, और धोखा मोहब्बत को खा जाता है। मैं प्यार
आयशा इंटरव्यू पे जाना है, मुझे कपड़े भी चाहिए तुमसे। आयशा आयशा, 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 अम्मा, अम्मा, अम्मा आयशा आ रही, आयशा। क्या हुआ? क्या हो गया आयशा को? वो आयशा कमरे में नहीं है। मैंने ड्राई दिया था, जाओ देखो बाथरूम में होगी। देखा है ना बाथरूम में, सहन में भी, वो कहीं भी नहीं अम्मा, और अलमारी में उसके कपड़े नहीं है, वो बैग भी नहीं है उसका, सिर्फ उसका फोन यहाँ रखा हुआ है। क्या? अरे हाँ, सुबह मेन डोर भी खुला हुआ था। क्या मेन डोर खुला हुआ था? मेन डोर खुला हुआ था। या अल्लाह, ये मेरे इम्तिहान कब खत्म होंगे? ये मुसीबत टलती नहीं, दूसरी सर पर आ जाती है। मैं चलो फिर मैं सोती। हाँ बासित, आयशा घर पर नहीं है। क्या मतलब घर पर नहीं है, कहाँ गई? हमें नहीं पता, वो तो बानो गई थी उसके कमरे में। तो आयशा नहीं है ना बाथरूम में ना कमरे में, और मोबाइल वहीं पड़ा हुआ है उसकी अलमारी में, उसके कपड़े भी नहीं है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ऐसे कैसे चली गई और आप लोगों को पता ही नहीं चला? बस मुझे इस बात की फिक्र है कि वो कहीं अपने बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अल्लाह जाने कहां चली गई है आयशा, उसे इतना भी एहसास नहीं है कि हमारे दिल पर क्या गुजर रही होगी। अम्मा अम्मा, मैं ना हॉस्पिटल जा रही हूँ, जहाँ पे आयशा नहीं गई थी चेकअप के लिए, हो सकता है वो वहीं गई हो। हाँ चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे भाई, खुद को कोई नुकसान ना पहुँचे। आप बैठ जाएं, पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं हो, मैं कहाँ ले लेकर फिरूंगी आपको। आप बस बैठे, मैं जा रही हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज़, मैं बताती हूँ अगर कुछ पता चलता है तो। या अल्लाह, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है सुबह से, क्या कयामत आ गई है? आयशा सुबह से घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है, सब उसी के लिए परेशान है। क्या मतलब घर में नहीं है, कहीं चली गई? जरूर अम्मा ने कुछ किया होगा। ये तुम क्या पक पक कर रही हो, जो मुंह में आता है बोले चली जाती हो। अरे दुआ करो कि वो खैरियत से घर आ जाए वापस। क्या करना है ढूंढ कर उसे अब। अच्छा चली गई है, आपकी प्लानिंग की भेंट हम तीनों बहनें भुगते हैं, सबकी सब बर्बाद। इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा अम्मा आपको। बानो घर बैठी रास्तों की खाक छान रही है, आयशा अलग ही घर बार छोड़ कर चली गई है, और मैं आपके झूठ की बदौलत घर बैठी हूँ। We'll be right back.
हेलो जी, कुछ पता चला? नहीं, उसे मुसलसल कॉल्स कर रहा हूँ, नो आंसर। फोन तो घर पर है उसका, बंद करके घर पर ही छोड़ गई है वो। But why is she doing all this to us? तानी, मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ, जहाँ जिस डॉक्टर के पास वो चेकअप के लिए गई थी, हो सकता है गई हो वहाँ पे, मैं वहाँ देखने जा रही हूँ। ओके, तुम वहाँ पहुँचो, मैं आ रहा। आयशा बासित जी, आज उनकी अपॉइंटमेंट थी पर वो आज आई नहीं, हो सकता कल या परसों आ जाए। वो जब भी आए, कल परसों, आप प्लीज मुझे बता देंगे, बड़ा एहसान होगा आपका। मगर मैं ऐसा क्यों करूंगा, आप कौन लगती हैं? मैं बहन हूँ जी उनकी, वो असल में नाराज होकर घर से चली गई थी, देखें उसकी जिंदगी का सवाल है, आप अगर बता देंगे हमें तो मेरी रिक्वेस्ट है, बस बता दीजिएगा प्लीज, आपका एहसान होगा। आप नंबर लिख लें मेरा प्लीज जी। नहीं, नहीं है वो यहाँ। आयशा नाराज है हम सब से। ऐसे कैसे घर से चली गई बानो? मैं समझ रहा था तुम उसे मना लोगी। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इतनी लापरवाह होगी, वो घर से चली जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आप जानते हैं कि वो किन हालात से गुजर रही थी, और आयशा के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी, ये जज्बात सबसे ज्यादा कीमती है उसके लिए। जानता हूँ, इसीलिए नहीं चाहता था कि उसको ये सारी बातें पता चले। लेकिन पता तो चल गया ना उसे, बर्दाश्त नहीं कर पाई है वो, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी वो। I don't know उसको।